वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सिरप के बारे में जो हमारे चेहरे के कील मुहासे, दाग धब्बे, शरीर पर दाद खाज खुजली, स्किन इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए यूज किया जाता है। अगर आपको कील मुहासे या इनसे जुड़ी कोई भी समस्या है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं बैद्यनाथ सुरक्ता सिरप के बारे में। बैद्यनाथ सुरक्ता सिरप एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसमें मुख्य रूप से अनंतमूल, अशोक, दारू हल्दी, ग्लोए हल्दी, हरित की, मजिस्टा, नीम, चिरायता, निशोध जैसी विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों से मिलकर बना होता है और इसे बैद्यनाथ कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। आइए अब जान लेते हैं इस सिरप के उपयोग के बारे में। इस सिरप का उपयोग मुख्य रूप से कील मुहासे, दाद खाज खुजली जैसे विभिन्न प्रकार के स्किन इन्फेक्शन के इलाज के लिए इस सिरप का यूज किया जाता है, जैसे कि चेहरे पर कील मुहासे ठीक करना, दाद खाज खुजली ठीक करना, खून को साफ करना, एक्जिमा, सोरायसिस जैसी विभिन्न प्रकार के फंगल इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन की इलाज के लिए इस सिरप का यूज किया जाता है। अगर आपको कील मुहासे, दाद खाज खुजली जैसी कोई भी समस्या है तो आप इस सिरप का यूज कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं इस सिरप के कुछ नॉर्मल से साइड इफ़ेक्ट के बारे में। वैसे तो इस सिरप के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते क्योंकि यह एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। आइए अब जान लेते हैं इस सिरप की डोज के बारे में। इस सिरप की डोज वैसे आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार लें क्योंकि इसकी डोज आयु, लिंग और समस्या के हिसाब से दी जाती है। जैसे कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए 10 ml सुबह शाम खाना खाने के बाद यूज कर सकता है। आइए अब जान लेते हैं इस सिरप की MRP के बारे में। इस सिरप की MRP है 100 ml सिरप आपको 110 रुपये में हर मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। आशा करता हूँ आपको बैद्यनाथ सुरक्ता सिरप की संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। मेडिसिन नॉलेज से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।